मैं तो अपना दुख शेयर करने आई थी तुमसे, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि तुम जख्म खाकर आई, और वो भी अपनी सौतन के हाथों। क्या है, मुझे हर वक्त आवाजें क्यों लगाते रहते हैं? अब तो तुमसे एक पल भी जुदाई गवारा नहीं। बहुत दफा ऐसा होता है कि इंसान अपने लिए जो दुआ मांगता है वो किसी और को लग जाती है। तो आपको क्या लगता है, आप अब भी वो सब कुछ दे सकेंगी जो आपने सवेरा को दिया था? इतना याद रखना मोमल, अनाया को मुझसे मौत भी नहीं छीन सकती, इसलिए कि मौत का भी मुझसे वादा है कि अगर आई तो दोनों को साथ लेकर जाएगी। और तुम खाली हाथ रह जाओगी। खाली? अली, मोमल पागल हो गई, बिल्कुल पागल हो गई। जानता हूं आस्तीन का सांप ज्यादा जहरीला होता है, लेकिन इसका जहर हमारी मोहब्बत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। या अल्लाह, मेरे घर को तबाही से बचा ले। क्या तुम्हें, तभी तो ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। जाओ? कहाँ जाओ? कहीं भी जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। तुम्हारा दुख सुने बगैर मेरे दुख का मदावा तुम नहीं कर सकते। शोहर हूं तुम्हारा मुमल। हाँ, लेकिन दुख तो अपने अपने होते हैं ना। तुम प्लीज जाओ यहां से। और तुम चाहती क्या हो, कि मैं थक जाऊं या हार मान लूं अपने सफर के आगाज पर ही? ये कैसा सफर है, कैसी राह है ये, जिस पर कदम रखते ही मेरे पैर लहू लहान हो गए, हौसले टूट गए मेरे, और अब उसमें बर्दाश्त नहीं है, नहीं चल सकती मैं। खुदा के लिए इसी दोहराहे पर मुझे छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ प्लीज। छोड़ देने का मतलब समझती हो तुम? समझती हूँ, अच्छी तरह से समझती हूँ, इसीलिए कह रही हूं। तो ये भूल है तुम्हारी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ताकि तुम किसी और के सब्र और बर्दाश्त की हद बन जाओ फरीद। मगर इतना याद रखना मुझे कि ना ही मेरी सब्र की कोई हद है ना बर्दाश्त की। मैं उस दिन का इंतजार करता रहूंगा जब तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरी ही मोहब्बत होगी। फरीद मियां,
देखिए पता नहीं बेगम साहिबा को क्या हो गया, चल के देखिए क्या हुआ। अम्मी 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 क्या हुआ, अम्मी अम्मी क्या हुआ, क्या हुआ आपकी तबीयत को? अली भाई, अली भाई, अनाया भाभी, ये देखिए क्या हुआ अम्मी को। अम्मी भाभी, अम्मी क्या हुआ, अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी फरीद गाड़ी निकाल कर। अम्मी उठ आओ ना, चल अम्मी आराम से चल जल्दी। अम्मी ध्यान से, ध्यान से, आराम से, ध्यान से। अम्मी या अल्लाह, सैमा बेगम को जल्दी सेहत याब करके घर ले आना, जल्दी से वो घर आ जाए। बड़ी अम्मी, अम्मी ने बहुत जुल्म किया। अरे तुम्हें क्या बताऊं, वो सलीम है ना, उसने तो मुझे और अनाया को नंगे सर सड़क पे घसीट लिया था, इतना जलील किया कि जी चाह रहा था कि जमीन फट जाए और हम उसमें समा जाए। बड़ी अम्मी, अल्लाह ने आपको सब्र का फल दिया, समाने की नजरों में आप तो बिल्कुल साफ हो गए, कोई बदनामी नहीं मिली। अम्मी भी अपने जख्म चाटते रह गई है। वो सलीम, ये सलीम बहुत बदनाम है, अब छुप गया है ना अपने घर पर बदनामी के डर से। बेटा, नरगिस को अच्छा नहीं लगा कि मैंने मोमल की शादी फरीद से कर दी, लेकिन तुम बताओ मैं क्या करती, अगर सायमा मेरा साथ ना देती तो मैं जवान बच्चियों को लेके कहां जाती। आपने बिल्कुल ठीक किया बड़ी अम्मी, हम आपके साथ हैं, बस अब आपको मेरी एक मदद करनी है, सवेरा के लिए कोई बहुत अच्छा सा घर ढूंढना है और रिश्ता कराना है। क्यों नहीं, और तुम आमिर का क्या हाल है, कहां है वो, इतने दिनों से आया नहीं है ना ही फोन पे बात हुई। बड़ी अम्मी मैं यहाँ सुकून के लिए आई हूँ, आप भी आमिर की रट लगाकर बैठ गई, मुझे नहीं बात करनी उसके बारे में। माँ को तो सुकून औलाद को आबाद देखकर ही आता है ना, और आमिर तो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत प्यार करने वाला। बड़ी अम्मी प्लीज, अच्छा मैं आपके लिए चाय बनाकर डालती हूँ, कब आप पड़े? हाँ फ्रिज में देख लो, रखे हुए हैं। बड़ी अम्मी आप प्लीज इसे कुछ समझाइए, वरना अम्मी तो हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है कि निमरा की शादी साजिद से हो जाए। अरे लानत भेजो, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जान छूटी, और मैं निमरा की शादी साजिद से कभी नहीं होने दूंगी, मैं खुद जाऊंगी आमिर के घर, उसका एड्रेस है मेरे पास, नहीं होने दूंगी ये शादी। मोमल तुमसे कोई बात हुई? क्या मतलब है? मैं कोई ऐसी बात करूंगी कि जिसकी वजह से अम्मी इस हाल पे पहुंच जाए? मैं आज नरगिस के घर गई थी, निमरा ने शादी से साफ इनकार कर दिया। अम्मी तो बिल्कुल ठीक थी, ये अचानक क्या हो? फरीद परेशान मत हो, बस दुआ करो अल्लाह से। मोमल तुमसे कोई बात हुई? क्या मतलब है? मैं कोई ऐसी बात करूंगी कि जिसकी वजह से अम्मी इस हाल पे पहुंच जाए? फरीद प्लीज। फिर यूं अचानक? इस तरह हौसला नहीं हारते फरीद, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। अली भाई मगर फरीद, तुम हिम्मत ना हारो, तुम तो मुझसे भी बहादुर हो और हर चैलेंज को हंस के कबूल करते हो, और मोमल तुम भी परेशान मत हो। डॉक्टर साहब
انجائنا کا شدید درد اٹھا تھا لیکن اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے پہلے سے بہت بہتر ہے اور بی پی بھی نارمل ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب ہم امی سے مل سکتے ہیں نہیں ابھی نہیں ان کو سکون کی دوائیں دی گئی ہیں جب وہ اٹھیں گے تو انشاءاللہ بالکل بہتر ہوگا لیکن یہ بتائیے کہ کیا پہلے بھی ایسا کبھی ہوا ہی نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا بس یہ اچانک ان کے سارے ٹیسٹ بھیجوا دیے گئے ہیں رپورٹ آنے پر ہی پتہ چلے گا لیکن آپ لوگ فکر نہ کریں ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے امی کو ہوش آ گیا فرید تم اب پریشان مت ہو سمجھے نہیں بھابھی میں ٹھیک ہوں پریشان نہیں ہوں میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا ٹھیک کہتی ہے نمرا ساجی تو نمرا کا کوئی جوڑ نہیں ہے تم سے الفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے ورنہ ہم کو بھی تمنا تھی کہ ہم بھی چاہے جاتے ساجی تو جانتا ہی نہیں کہ محبت کس بلا کا نام ہے ہمدردی اور خلوص اسے کچھ نہیں پتا ان کے بارے ارشادہ جی بیگم صاحبہ میں آج نرگس کے گھر گئی تھی نمرا نے شادی سے صاف انکار کر دیا کہنے لگی نرگس کی شادی کر دیں ساجی سے تو ہنس کیوں رہی ہے ارشادہ آزادی کی تمنا اگر دل میں جاگے تو کمزور سی چڑیا بھی لوہے کا پنجرہ توڑ دیتی ہے تو اڑ جاتی ہے یوں یوں کر کے کیا مطلب یہاں فرق اتنا تھا کہ یہ لوہے کا پنجرہ قیدی چڑیا نے نہیں بلکہ آزاد چڑیا نے توڑا ہے اور قیدی چڑیا کو اڑا کر لے کر گئی ہے اب ہاتھ نہیں آنے والی شکاری کے امی یہ ارشادہ کیا بکواس کر گئی یہی حقیقت ہے نمرا اپنی بہن کو طلاق دلوا کے تمہارے چنگل سے چھڑوا کر لے گئی اب تمہارے ہاتھ آنے والی نہیں ہے وہ اس نے تم سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے اتنے دنوں بعد اتنا مزے کا اور اتنا سکون سے کھانا کھا کے نا مزہ ہی آ گیا ارے بیٹا تو آ جائے کرو یہ بھی تمہارا اپنا گھر ہے مانا کہ تمہارے گھر جیسا سکون تو نہیں ہے لیکن ہے تو تمہارے اماں ابا کا گھر نا تھینک یو بڑی امی اچھا نمرا میں کچن صاف کر کر اور برتن دھو کر آتی ہوں تم جب تک تیار ہو جاؤ ارے چھوڑو برتن میں سمیٹ لوں گی تم یہاں بیٹھو میرے پاس بھائی تمہیں جو کرنا ہے تم کرتی رہو میں تو چلی سونے دماغ خراب ہو گیا تمہارا سونے کیوں جا رہی ہو ارے سونے دو اسے کیا فرق پڑتا ہے بھائی امی آپ اسے نہیں جانتی ہیں اگر یہ ابھی سونے چلی گی نا تو 4-6 گھنٹے کے لیے جائے گی ویسے بہت دیر ہو چکی ہے ارے تو کیا ہوا نمرا امی بہت ناراض ہوں گی پلیز جلدی کر لو ہمیں آدھے گھنٹے میں یہاں سے نکلنا ہے سویرا میں گھر نہیں جا رہی میں یہی رہوں گی یہی میری ماں ہے اور میں اس گھر کو چھوڑ کے اب نہیں جاؤں گی کیا مطلب ہے تمہارا میرا مطلب یہ ہے کہ میں یہی رہوں گی اس گھر میں نہیں جانا مجھے نمرا خدا کا واسطہ ہے تمہیں نمرا بیٹا بری بات کیوں آپ مجھے نہیں رکھنا چاہتی یہ بات نہیں ہے لیکن نرگس کی اجازت کے بغیر ناراض ہو جائے گی وہ اور میرا جینا بھی حرام کر دوں گی تو کیا ہو تم بھی یہی رک جاؤ دیکھو سویرا میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی میں چلی بڑی امی کے پرسکون بستر پہ سونے
निमरा बड़ी अम्मी समझाएं इसे आप। अरे कोई बात नहीं, सोने दो, मैं बाद में बात कर लूंगी। चलो ये प्लेटें दो, मैं समेट लूं। प्लीज मैं आप हमसे बात तो करें। सो रही है वो, देखो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। डॉक्टर ने बोला था एक मिनट से ज्यादा देर नहीं रुकना। चलो चलें। कनाडा में मुझे डॉक्टर मार्टिन ने पहले ही वार्न कर दिया था कि अम्मी की सेहत की फिक्र करो, लेकिन जब भी मैंने अम्मी से बात करना चाहा, उन्होंने बात टाल दी आगे से। मेरे घर की इज्जत तुम्हारे हाथ है। संभाल लो सब कुछ, तुम फरीद का नसीब हो। अली का नहीं, समझो इस बात को। खुद को संभालो, क्या बचपना है ये? अली भाई मैंने कभी अम्मी को इस हालत में बेड पे पड़े नहीं देखा। कनाडा में मुझे डॉक्टर मार्टिन ने पहले ही वार्न कर दिया था कि अम्मी की सेहत की फिक्र करो, लेकिन जब भी मैंने अम्मी से बात करना चाहा, उन्होंने बात टाल दी आगे से। हो सकता है कि कोई पुरानी प्रॉब्लम हो जो कि अम्मी ने हमसे छुपाई। अली भाई कोई बात तो है, अम्मी इतनी कमजोर नहीं थी। फरीद तुम खामखा परेशान हो रहे हो, अम्मी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बात की है हमसे। क्या ये कैसे हो सकता? अभी मैं और फरीद मिलकर आए, वो तो गहरी नींद में थी। हो सकता है अम्मी ने वो बात हम दोनों से करनी, तुम मोमल से पूछ लो। हाँ सही कह रही, बात की है अम्मी ने, काफी बेहतर है पहले से, बस थोड़ी गुनूदगी में है। फरीद तुम अनाया मोमल को घर ले जाओ, मैं सुबह अम्मी के साथ आ जाऊंगा। नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं भी यहीं रहूंगी। आप दोनों घर चले जाइए, मैं यहीं हूँ अम्मी के पास। नहीं मैं भी नहीं जाऊंगा, अगर मैं घर चला गया तो वहां जाकर बेसुकून ही रहूंगा। ठीक है मैं और अनाया जा रहा हूँ।
नहीं अली, मैं नहीं जाऊंगी। अगर अम्मी को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो फिर? नहीं अनाया, तुम भी चलो, बल्कि मैं तुम दोनों को घर ड्रॉप करता हूँ और जाते हुए मोमानी को पिक कर लेता हूँ, वो तुम दोनों के साथ रुक जाएंगे। चलें। अपने बिजनेस शेयर्स भी उसको देने को तैयार। क्या गलत फहमी है तुम्हारी, और इस गलत फहमी को जल्दी अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि मेरे दिल में ना पहले तुम्हारे लिए जगह थी और ना अब है। साजिद यूं जबरदस्ती निमरा को कैद करके निकाह नहीं पढ़वा सकते हैं। मैं बहुत खौफजदा हूँ, डरता हूँ कि मैं कहीं अम्मी की बीमारी का सबब न बन जाऊं। क्योंकि तुम बुजदिल हो। सोतेली।